भारत में टिकटॉक कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। कोरोना से तो सिर्फ लोगों की जान जा रही, लोग एक बार इस वायरस से भी संक्रमित होकर ठीक हो रहे हैं, मगर टिकटॉक पे फैलते एजेंडा वायरस से भारत के नौजवानों को कैसे बचाया जाए। टिकटॉक की एक खासियत है कि इसमें वीडियो बनाना बहुत आसान है और इस ऐप में आपकी वीडियो बस चंद मिनटों में ही लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, जिससे यह ऐप अफवाह फैलाने में अफवाह गिरोह का फेवरेट ऐप बन चुका है। आपको याद होगा जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, उस वक्त ऐसे ऐसे टिकटॉक वीडियोज वायरल हुए थे जिसमें लोग लॉकडाउन के नियमों का धज्जियां उड़ा रहे थे। टिकटॉक के बड़े बड़े क्रिएटर भी लॉकडाउन का मजाक बना रहे थे। कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे वीडियोस बनाए जिसमें वो कहते हैं कि नमाज पढ़ने से कोरोना वायरस नहीं होता। एक आदमी का टिकटॉक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो 500 रुपये की गड्डी से अपना मुंह और नाक पोंछ रहा होता है। वो कहता है कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये अल्लाह की अजाब है। समीर खान नामक एक लड़का अपने टिकटॉक वीडियो में कहता है कि वो कपड़े के टुकड़े पे नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करता है। बाद में वही लड़का खुद कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। टिकटॉक में अफवाह तो फैलता ही है काफी रफ्तार में, मगर अब इस ऐप का इस्तेमाल एजेंडा और प्रोपेगेंडा फैलाने में भी लोग कर रहे हैं। जहां पूरा देश मिलकर कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा था, उसी बीच कुछ लोग कोरोना जैसे महामारी को रब की एनआरसी बताकर सीएए का विरोध टिकटॉक पर कर रहे थे। अभी हाल में फिर से टिकटॉक चर्चा में आया है और हर बार की तरह इस बार भी गलत कारणों से। इस बार टिकटॉक पर एसिड अटैक को प्रमोट करने का आरोप लगा है। दरअसल हुआ यह है कि अपने आप को टिकटॉक के सो कॉल्ड स्टार मानने वाले फैजल सिद्दीकी ने एक टिकटॉक वीडियो बनाया जिसमें वो कहता है कि उसने तुम्हें छोड़ दिया जिसके कारण तुमने मुझे छोड़ा था। इसके बाद उसने लड़की के ऊपर एक लिक्विड फेंक दिया जिसके बाद लड़की का पूरा चेहरा खराब हो गया था। ये वीडियो पूरी तरह से एसिड अटैक को प्रमोट कर रहा था। फैजल सिद्दीकी का टिकटॉक अकाउंट में 13 मिलियन फॉलोअर्स है और ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर भी मानता है। टिकटॉक को ज़्यादातर बच्चे इस्तेमाल करते हैं जो 13 से 19 साल के होते हैं। उनके मन में आप सोचिए कि इस वीडियो का क्या असर पड़ा होगा। एसिड अटैक पीड़िता लक्ष्मी अग्रवाल ने फैजल सिद्दीकी के इस टिकटॉक वीडियो का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा, फैजल सिद्दीकी आप जरा एक बूंद एसिड अपनी उंगली पर रख कर दिखाइए, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आखिर एसिड अटैक का दर्द कैसा होता है। आप किस तरह के क्रिएटर हैं? मैं सोच भी नहीं सकती कि टिकटॉक ऐसे लोगों को क्रिएटर का दर्जा दे रहा है। अगर आपको फेमस ही होना है तो अच्छी वीडियोस बना के फेमस होइए। वो आगे कहती हैं कि हम लोग दिन रात मेहनत कर हिंसा रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। गौरतलब है कि फैजल सिद्दीकी का टिकटॉक अकाउंट अब बैन कर दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा ने इसकी जानकारी दी थी। पिछले साल टीम 07 की भी आईडी टिकटॉक ने बैन कर दी थी, मगर अब वो आईडी उनको वापस मिल चुकी है। हो सकता है कि फैजल सिद्दीकी की भी आईडी उसको वापस मिल जाए। पिछले साल टीम 07 ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन लोगों ने तबरेज अंसारी के मौत के बाद कहा था कि अगर उसका बेटा आतंकवादी बनेगा और बदला लेगा तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं। ये कहते हुए उन लोगों ने आतंकवादियों का समर्थन किया था और आतंकवादी बनने को जायज ठहराया था। टिकटॉक पर अभी रेप का भी महिमा मंडन करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो लड़के अपने कपड़े पहन रहे हैं, पैंट की चेन लगा रहे हैं और दूसरी तरफ लड़की रोती हुई दिखाई दे रही है। मुजीबुर रहमान के इस वीडियो का भी विरोध शुरू हो गया है। टिकटॉक का उपयोग अब धार्मिक कट्टरवाद भी फैलाने में हो रहा है। एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि काफिरों की लाश गिराने की बात हो रही है। टिकटॉक एक प्लान के तहत लव जिहाद भी प्रमोट कर रहा है। अभी कई वीडियोस ऐसे वायरल हुए हैं। जो लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं उनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं और इनके फॉलोअर्स ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी और आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जो बच्चे इन्हें फॉलो करते हैं वो इनको सेलिब्रिटी से कम नहीं मानते, तो हो सकता है कल ये बच्चे इनसे इन्फ्लुएंस होकर एसिड अटैक को प्रमोट करने लगे, आतंकवादी बनने को कूल समझने लगे, रेप जैसी चीज़ों को नॉर्मल समझने लगे। इसलिए टिकटॉक को या तो बैन कर देना चाहिए या फिर इसमें एज रिस्ट्रिक्शन लगा देना चाहिए और टिकटॉक को ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहिए जिससे ये ऐसे वाहियात वीडियोस को ट्रैक कर उन्हें डिलीट कर सके। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।